टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ताखा क्षेत्र में घोटाला का सिलसिला थम नहीं रहा। अब हैंडपंप रिवोर के नाम पर घोटाला कर लिया गया। रुद्रपुर चमरपुर में दो हैंडपंप का रिवोर्ट दिखाकर 83,000 डकार लिए गए। क्षेत्र में सरकारी कार्य को किस तरह कागजों पर दिखाकर पैसे को हड़प लिया जाता है, जबकि पुराना हैंडपंप से रामचंद्र ने निकाल कर दिखाया पानी। हैंडपंप रिवोर घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा खेल कागजों पर कर लिया गया है। इस खेल में पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, जेई व ठेकेदार की मिलीभगत सामने आ रही है। ग्राम पंचायत रुद्रपुर चमरपुर गांव में रामचंद्र पुत्र गुलाब सिंह एवं राम कबीर पुत्र बनवारी लाल के हैंडपंप को खराब दिखाकर रिबोर कर 31 दिसंबर को 40,83,000 का भुगतान अलग अलग दो फर्मों को कर दिया गया। जब इसकी जानकारी रामचंद्र को ही हुई तो उसने पूरे मामले की शिकायत एडीओ पंचायत ताखा से की। रामचंद्र ने बताया कि उसके मकान के सामने बरसों पहले एक हैंडपंप लगाया गया था। बोरिंग काफी पुरानी होने के कारण पाइप गल गए, इसलिए पानी काफी देर बाद हैंडपंप में आता है। इसलिए उसने हैंडपंप को रिपोर्ट कराने की मांग की थी, लेकिन प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी ने मिलकर हैंडपंप का रिपोर्ट दिखा दिया गया और पैसे निकाल लिए, जबकि अभी भी उसके घर के सामने पुराना हैंडपंप लगा हुआ है। इसी तरह राम कबीर के मकान के सामने लगा हैंडपंप भी पानी दे रहा, लेकिन उसका भी रिपोर्ट दिखा कर रुपए हड़प लिए। घोटाला कैसे किया, देखिए आगे बताते चले। जल निगम के जेई चमन प्रकाश मेरी बोर कराने वाले ठेकेदार से मिलकर दोनों स्थानों को बिना देखे ही एमबी कर डाली। जब पुराना हैंडपंप उखाड़ा ही नहीं गया तो फिर एमबी किस आधार पर हो गए। रामचंद्र का कहना है कि जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई हो। गौरव शाके की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए।